एंटीमाइक्रोबियल्स वो दवाइयाँ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट इन्फेक्शंस, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो फंगल हो। तो अद्वियात को जो है हम इन जनरल ब्रॉड टर्म्स में एंटीमाइक्रोबियल्स कहते हैं। एंटी माइक्रोबियल्स यानी जो अद्वियात हैं जिस जो हम जनरली इन्फेक्शंस के लिए लेते हैं, इनकी इन अद्वियात के बेशुमार फ़ायदे हैं लेकिन इनके कुछ नुकसान भी हैं। इन दोनों चीज़ों के हवाले से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त एक मेडिकल फ्रेटर्निटी और एज अ जनरल ये दुनिया फेस कर रही है वो इनका रेजिस्टेंस है। और ये अगर रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो एक वक्त ऐसा आ सकता है आजकल के कुछ ऐसे इन्फेक्शंस जो पहले ट्रीटेबल थे अब ट्रीटेबल ना रहे। ये चीज़ हम मुस्तकिल पिछले 4-5 साल में टाइफॉइड के हवाले से देख रहे हैं कि हमें रेजिस्टेंट टाइफॉइड मिल रहा है। तो एंटी माइक्रोबियल्स जहाँ पर हमारे लिए एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, दूसरी तरफ हमारे लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं अपनी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से और अपनी रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये दो चीज़ें हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं और बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जिनका आज तक इलाज मुमकिन नहीं हो पाया। तो लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ये अद्वियात बिला वजह ना ली जाएँ, क्योंकि अगर ये इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जब इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो जिस वक्त उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है उस वक्त वो इफ़ेक्टिव नहीं होती। बेसिकली एंटीबायोटिक्स जो हैं ये केमिकली प्रोड्यूस्ड और आर्टिफिशली प्रोड्यूस्ड चीज़ें होती हैं जो कि बैक्टीरिया को टारगेट करती हैं। अच्छा, अब अगर हम एंटी माइक्रोबियल्स या अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे बिला ज़रूरत और अगर ज़रूरत के तहत गैर मुअस्सर तरीके से, इसको मैं आपको समझाती हूँ इन दोनों के क्या मतलब है, तो हम मुस्तकबिल करीब में उस दवाई से महरूम हो सकते हैं या उस ऑर्गेनिज्म की वायरलेंस का शिकार हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे यहाँ डॉक्टर्स की और जनरल पब्लिक की भी प्रैक्टिस होती है कि अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है गैर ज़रूरी तौर पर, मिसाल के तौर पर मौसम सरमा के आने से पहले एक कॉमन इन्फेक्शन होता है जिसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, गला ख़राब, जुकाम, खांसी। प्रेफरेबल ये होता है कि ये बीमारी एक हेल्दी इंसान में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रखती, यानी कि सेल्फ लिमिटिंग होती है, 3 से 4 से 5 दिन में खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है। और समा उदीदर हम ये देखते हैं कि ये इंसान की इम्यूनिटी को एक तरह से बूस्ट भी करती है। लेकिन अद्वियात का ऑन द काउंटर यूज़, आप जाते हैं स्टोर पे किसी केमिस्ट के पास और कहते हैं गला ख़राब है दवाई दे दें, और वो आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन की दवाई दे देता है, तो वो 3 दिन में वो ऑर्गेनिज्म जो कि नेचुरली शायद आपकी बॉडी इम्यूनिटी से ख़त्म कर दे, उस एंटीबायोटिक से ट्रांजिएंटली ख़त्म होता है। और उस ट्रांजिएंटली ख़त्म होने के बाद जब वो रीग्रो करता है तो बैक्टीरिया के अंदर एक अल्लाह ताला ने ऐसी क़ुव्वत दी है कि वो उस अपने अंदर अपनी ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन कर लेता है जिससे वो उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इस वजह की बिना पर अगर हम बेजा बेज़रूरत और इन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेंगे एंटीबायोटिक्स का, तो ये एंटी माइक्रोबियल्स का इफ़ेक्ट जो कि जहाँ ज़रूरत है हम अद्वियात के ज़रिए अचीव कर सकते हैं वो नहीं कर सकेंगे, और एक वक्त आएगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स रेजिस्टेंट हो जाएंगे और अनट्रीटेबल हो जाएंगे। ओके, रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज जिस तरह दूसरे बैक्टीरियाज हैं उसी तरह वो अक्वायर होते हैं, वही से साइन सिम्टम्स होते हैं। रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज पावरफुल होते हैं। क्यों पावरफुल होते हैं? क्योंकि आपके पास जो गन्स अवेलेबल हैं उनको ट्रीट करने के लिए उन्होंने उसकी शील्ड लगाई हुई होती है। सो जो आपकी कॉमन सिंपल एंटीबायोटिक्स हैं जिससे हम उनको ट्रीट करते हैं वो उस पर इफ़ेक्ट नहीं करते। अगर आपने रेजिस्टेंट बग अक्वायर किया है तो उसका ट्रीटमेंट उसी तरह मुश्किल होगा। तो जो इस तरह की इन्फेक्शंस होते हैं जो कि रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं, ये फिर वही वाली बात है कि कॉमनली अकर नहीं करते, ये एक्सट्रीम ऑफ एजेस और लो इम्यूनिटी वाले लोगों के अंदर अक्वायर होते हैं। और जैसे HIV के पेशेंट्स हैं उनके अंदर हर किस्म का लो बग जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं होता वो अक्वायर होता है। उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि अपना रेजिस्टेंस इम्प्रूव।